इस ट्यूटोरियल में हम क्लास नाइन की एक्सरसाइज सेवन पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व करेंगे और मेरे ख्याल से इससे आसान सम इस पूरी एक्सरसाइज में और कोई नहीं है इन ट्रायंगल एबीसी एबीसी एक ट्रायंगल दी गई है ए डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी ये ए डी बी सी का परपेंडिकुलर बाई है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब कि एक तो ये इस लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता है अगर मैं इसको एंगल वन बोल दूं इसको बोल दूं एंगल टू तो दोनों तरफ एंगल कितना है 90 डिग्री सो so, एंगल वन इज कॉन्ग्रेल टू एंगल टू क्योंकि दोनों क्या हो गए 90 डिग्री दूसरा ये बाई है इसका तो बाई का मतलब ये इस बी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है दैट मीन्स बी डी इज कॉन्ग्रेल टू डी तो ये पार्ट इस पार्ट के बराबर हो गया इसमें इसको बाइसेक्ट कर दिया ठीक है शो दैट ट्राएंगल ए बी सी इज एन आइसोसलीस ट्राएंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी तो अब हमें ना ये प्रूव करना है कि ये साइड इस साइड के बराबर है और ये फिर क्या बन जाएगी एक आइसोसलीस ट्राएंगल वेरी सिंपल प्रूफ सिंपल सा काम करना है कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दो बस उससे हम कंक्लूड कर लेंगे कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो लेट्स डू दैट इन ट्रैंगल ए डी बी एंड ट्रैंगल ए डी सी ये दोनों ट्राइंगल्स मैंने ले ली अब इन ट्राइंगल्स में बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू डी सी ये हमें गिवन है ठीक है ये साइड इसके बराबर ये हमें गिवन है एंगल वन इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल टू क्योंकि दोनों 90 डिग्रीज हैं और ये भी क्या है हमें गिवन है राइट कि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और ये हमें ऑलरेडी गिवन है थर्ड ये जो साइड है ए डी ये दोनों ट्राइंगल्स में क्या है कॉमन सो ए डी इज कॉन्ग्रेंट टू ए डी कोई भी साइड अपने कॉन्ग्रेंट तो होगी तो यूजिंग रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी वी कैन से ए डी इज कॉन्ग्रेंट टू ए डी अब हमारे पास आया क्या साइड एंगल और एक और साइड ये साइड फिर एक एंगल फिर एक साइड यानी कि दो साइड्स और उनके बीच का एक एंगल दो साइड्स और उनके बीच का एक एंगल सो यूजिंग एस एस पॉस्टुलेट सो बाय एस ए एस पॉस्टुलेट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रोट अब अगर ट्रायंगल्स कांग्रेट हो गई देन यूजिंग सी पी सी टी सी दैट मीन कॉरसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट तो दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के कॉरसपॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में कांग्रेट होंगे तो इससे हम ये कंक्लूड करेंगे कि ए बी साइड इज़ कॉन्ग्रेंट टू ए सी अब ए बी ही ए सी के कॉन्ग्रुएंट क्यों हुई फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ वैसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अब तक आपको पता चल जाना चाहिए कि ए बी ए सी के कॉन्ग्रुएंट क्यों हुई एंगल वन और एंगल टू इस ट्राइंगल का एंगल वन और इस ट्रैंगल का एंगल टू आपस में कॉन्ग्रोट थे तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो एंगल वन के सामने वाली साइड एंगल टू के सामने वाली साइड के कांग्रेट होगी और दूसरा आप इससे भी कंक्लूड कर सकते हो कि बाकी दो साइड्स तो पहले ही कॉन्ग्रेंट हैं तो यही एक एक साइड दोनों ट्राइंगल्स की बची है तो ये आपस में कांग्रेन होंगी तो इसलिए ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू ए सी दैट मीन्स इन दोनों की लेंथ बराबर हो गई दिस मीन्स ट्राइंगल ए बी सी इज एन आईसोसलीस ट्रैंगल प्रूव्ड So that's it from this tutorial. It was a very simple tutorial. Keep watching, Mathemafia.